जम्मू कश्मीर स्टेट सेक्रेटरी, आज की प्रेस वार्ता इस विषय को लेकर रखी गई है। पिछले 15 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा था, जिसमें चाहे मेमोरेंडम सौंपना हो, उसके बाद सेक्रेटरीट के बाहर प्रदर्शन करना हो, और उसके बाद चाहे सड़क को जाम करना हो, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्टूडेंट्स जो है लगातार क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और जिस प्रकार से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, स्टूडेंट्स के साथ बर्बरता की गई, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा गया, विद्यार्थी परिषद पिछले लंबे समय से, पिछले 15 दिन से लगातार प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो उस मुद्दों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने का काम कर रहा था। तो उसी संदर्भ में कल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक नोटिफिकेशन हम सबके सामने आया, और जिसमें ये उस नोटिफिकेशन के अंदर ये लिखा गया है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर जो है 10% इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। और 2019-20 के अंदर जिस प्रकार से एडमिशन हुआ करता था, और जहां 800 सीट्स को कम किया गया था, उन 800 सीट्स को रिस्टोर करते हुए स्टूडेंट्स की डिमांड्स पर 10% एक्स्ट्रा जो है इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। तो विद्यार्थी परिषद इस पूरे जो भी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, हायर एजुकेशन द्वारा निर्णय लिया गया है, विद्यार्थी परिषद उसका स्वागत करता है। ये जितना भी हुआ है तो ये सभी छात्रों की जीत है, स्टूडेंट्स कम्युनिटी की जीत है। मैं समाज के सभी छात्र वर्गों के कहना चाहूंगा कि ये सभी आप लोगों की जीत है। समाज हमारे जो अन्य मांगे थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, जो जम्मू विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वहां सभी स्ट्रीम्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो सरकार द्वारा उन सभी विषयों पर कोई भी निर्णय या कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो विद्यार्थी परिषद का यह मानना है कि इन सभी मुद्दों पर भी सरकार को अपनी राय रखनी चाहिए, और आने वाले समय के अंदर इन सभी मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद जो वो लड़ाई भी लड़ेगी और अपने इस फाइट को जारी भी रखेगी। पुणे में सभी छात्रों को, समाज के, जम्मू कश्मीर के सभी युवाओं को बधाई देना चाहूंगा, ये आप सभी की जीत है। और आज मीडिया के माध्यम से मैं पूरे समाज को ये बताना चाहूंगा कि आज ये सिद्ध हो गया कि छात्रों के जो भी मसले हैं, तो विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही ऐसा संगठन है जो छात्रों के लिए काम करता है और उनकी समस्याओं का समाधान